बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी लंबे वक्त से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर रोजाना सुनवाई के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं। शुक्रवार स्वामी को इस कोशिश में तब बड़ी सफलता प्राप्त हुई जब सुप्रीम कोर्ट स्वामी की अर्जी पर विचार करने के लिए तैयार हो गया। अर्जी में स्वामी ने कई कारण गिनाते हुए कहा है कि इस मामले की सुनवाई रोजाना होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की पीठ के समक्ष स्वामी ने इस अर्जी पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर न्यायालय ने उनकी अर्जी अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। स्वामी ने कहा कि शीर्ष अदालत अयोध्या विवाद से संबंधित मामले में पहले ही उन्हें पक्षकार बना चुकी है और चूंकि ये मामला 5.5 साल से भी अधिक समय से लंबित है इसलिए अब इसकी रोजाना सुनवाई होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि वो इस विषय में स्वामी द्वारा पेश किए गए तर्कों को सुनना चाहती है। 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी को अयोध्या विवाद से संबंधित लंबित मामले में हस्तक्षेप की अनुमति दे दी थी। स्वामी अयोध्या में गिराई गई बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति चाहते हैं। अदालत अगर स्वामी के तर्कों से सहमत हो जाती है तो राम मंदिर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो सकेगी। यह खबर उन लोगों के लिए भी खुशखबरी से कम नहीं होगी जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना पाले हुए हैं। NMF News की रिपोर्ट।